नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री परिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की अहम जानकारी देने को लेकर प्रेस वार्ता कार्यक्रम किया गया। तीन विषय हैं जो निजी विश्वविद्यालय से संबंधित और एक सेमीकंडक्टर संबंधित, चार विषय उनके हैं और फिर माननीय चौधरी साहब रखेंगे, उसके बाद कुछ विषयों पर हम भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू। श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय योगी जी के जो शासन काल आया उसके बाद शिक्षा का उत्तर प्रदेश में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसके क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। जो इन्वेस्टमेंट के अभी एक बिंदु थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेनी है उत्तर प्रदेश को, उसमें भी शिक्षा का क्या योगदान है, तो उसमें भी निजी विश्वविद्यालय का इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है। इन सबको देखते हुए माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का एक बहुत बड़ा क्रम चला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा आएगी तो हब भी बनेगा और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नेट रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, A+ रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय सरकारी और ए रैंकिंग तो कई हो गए, जबकि माननीय योगी जी की सरकार से पहले B+ के कुछ 2-3 विश्वविद्यालय थे और कोई नहीं थे। तो एक क्रांतिकारी जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है उसी के अंतर्गत अभी भी 3 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिला है और उनको अवसर दिया गया है, जिसमें एक है JSS विश्वविद्यालय नोएडा में हो रहा है। JSS पूरे हिंदुस्तान का नहीं विश्व में एक बड़ा नाम है, जो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम किए हैं और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हैं उनके, तो उनको अनुमति मिली है। एक सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ को अनुमति दी गई इसी के अंतर्गत और एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा में। शारदा ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एजुकेशन लाइन में एक खासा नाम रखता है, देश विदेश में उनके एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन सबसे एजुकेशन की स्थिति में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आई है। सेमीकंडक्टर भारत में ये उद्योग अभी शैशवावस्था में है और मात्र अभी तक 2 राज्यों ने इसकी नीति बनाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए, एक गुजरात था और दूसरा उड़ीसा। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी बनाई है। इस तरह उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया जिसने अपनी एक सेमीकंडक्टर नीति 2024 मंत्रिमंडल की बैठक में प्रख्यापित की है और इस नीति का बड़े बड़े उद्योगों में जो इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने जब अध्ययन किया है तो सर्वाधिक उत्तम नीति इसको बताया गया है, क्योंकि ये इसका लाने का कारण क्या है, निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा और जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग होते हैं जैसे मोबाइल, कारों में वगैरह वगैरह में, सब में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश अभी इस मामले में अग्रणी नहीं था, अब लीडर बने इस उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है, तो प्रत्येक इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, उसको प्रोत्साहन देना। इसमें जो नीति में इनको प्रिविलेज, इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे तो 2 तरह के इंसेंटिव्स होंगे, एक तो कैपिटल इंसेंटिव्स जिसमें इनको यानी हिंदुस्तान की सरकार ने कोई 80,000 करोड़ रुपया इसके लिए तो बनाया है कि हम इस उद्योग लोग वाले लोगों को मदद करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 75% अपना भागीदारी करेगी,
जो इसमें उद्योग आएंगे, और इसमें जो सेमी कंडक्टर पॉलिसी है वो वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। उत्तर प्रदेश में जो भी खोलेंगे वो 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी लैंड सब्सिडी के रूप में, 200 एकड़ तक 75% उनको सब्सिडी मिलेगी, और 200 एकड़ से ऊपर जो होगा वो अपने हिसाब से खरीद लेगा। और अभी तक 13 कंपनीज ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और अप्लाई किया है। इसमें पानी की उपलब्धता बहुत होती है, तो जो खेतों हुई वो इंसेंटिव्स जो कि वित्तीय है, जो गैर वित्तीय इंसेंटिव्स है, तो पानी की उपलब्धता के लिए भी अपनी सरकार ने ये प्रावधान किया है उसमें कि उनको जितनी आवश्यकता होगी उतनी पानी की उपलब्धता कराई जाएगी, और बिजली की उपलब्धता भी होगी, बिजली के उसमें भी 10 साल तक उनके जो टैक्स हैं उसमें भी माफ़ी मिलेगी, और इसमें जो पेटेंट कराना चाहेगा तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 10 लाख रुपये और इंटरनेशनल स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 20 लाख रुपये का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इंडस्ट्रीज से इसका कोलैबोरेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर स्किल्ड लोग पहुँचे इसके लिए, इसके साथ इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा, वहाँ के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और इस जो लोग ये सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे उनसे उनका टाइप कराया जाएगा, और उस टाइप में स्किल्ड लेबर यानी स्किल्ड पर्सन उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करेगा। इससे अपने पूरे हिंदुस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, इस सब में अपने देश की प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन वो और स्किल्ड हो इससे जोड़कर उनको स्किल्ड प्रतिभाओं को न सिर्फ देश में स्थान मिलेगा बल्कि विदेश में भी वो जा सकेंगे। तो ये बहुत क्रांतिकारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी योगी जी की सरकार ने आज प्रख्यापित की है, और इससे एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो हम आयात करते थे अभी तक सेमीकंडक्टर, हम अब पहले तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद निर्यात की स्थिति आएगी तो निर्यात भी करेंगे। जिस उद्योग को जितना भी भारत सरकार देगी, मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ और मैंने 100 करोड़ का वो किया, उसमें 80,000 में से जो उसका केंद्र सरकार का हिस्सा होगा वो देंगे 75%। हम लोग कैपिटल इंसेंटिव बोलेंगे। माननीय चौधरी साहब, आज जिसका इंतजार था, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज गन्ना मिल और गन्ना के किसान, लगभग उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारों से ऊपर गन्ना की खेती करते हैं, लगभग 45 लाख ऐसे मजदूर हैं जो गन्ने की खेती से संबंधित हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से लेके अब तक, जब हमारी 2017 में सरकार आई थी उस समय गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति क्विंटल अगेती किस्म का था, वो दो बार बढ़ाया गया, और आज माननीय मंत्रिपरिषद ने 20 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है, जो बढ़ के अब इस समय अगेती किस्म
370 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। इस कीमत के 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने के हिसाब से जो गन्ना उत्पादन होता है लगभग 2,200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अधिक जाएगा। जो दूसरी वैरायटी है उसका किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं। प्लीज यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वसंग इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियनशिप के पुरस्कार के लिए विजेता के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में प्रदान किया गया। इसके लिए प्रदेश सरकार को आयोजकों की ओर से बधाई दी गई। ये पुरस्कार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया द्वारा प्रदान किया गया। भारत में नागरिक क्षेत्र में विमानन से संबंधित कंपनियों, संस्थानों, संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से वसंग इंडिया अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार को एविएशन में स्टेट चैंपियनशिप के पुरस्कार के लिए विजेता का रूप में चुना गया। बीजेपी के विधान परिषद प्रत्याशी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ पार्टी प्रत्याशी विधान भवन स्थित पार्टी के विधान मंडल दल कार्यालय पहुंचे। बाईस जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रतिदिन चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रम के क्रम में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर ने दनकोर गौतम बुद्ध नगर के शनि देव मंदिर में स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। वहीं इसके बाद पूजा अर्चना की। बता दें कि 22 जनवरी को दनकौर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भाजपा हरिदत्त शर्मा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों के साथ बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सहमत है सर। तो श्रीलवी जी आपकी लीडर है। अच्छा, आप काफी उत्साह से काम कर रही है।
मुझे लगा बहुत अच्छा लगा। मैं सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और इस काम को आप जारी रखिए। बहुत बड़ी शक्ति है हमारी माताएं बहनें, उनको जितनी मदद कर सकते हैं सरकार करना चाहती है। आप जैसे लोग अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी तो पक्का करोगी? हाँ सर। तो आप ही गांव की मोदी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई महाराष्ट्र के कल्पना जी से अब संवाद करेंगे। कल्पना जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप बैठिए कल्पना जी, बैठिए। कल्पना जी अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा कमजोरी कम्युनिटी को आज आपके सामने बिठा कर पूछ रहे हैं, आपके लबों पर मेरे नाम ले लिए, इससे बढ़कर तो मेरा कुछ नहीं सर। मेरे कोई पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। हमारा माँ टुकराया, बाप टुकराया, भाई बहन भगाया, और हमारे कम्युनिटी के साथ हम इतना दिन कैसा भी चलाते थे, पेट भरते थे। अभी मुंबई में ठिकाना होने के बाद किन्नर समूह में रहती है, अलग रहती है? किन्नर समाज के अंदर रहते हैं सर। हाँ। हमारे बहनों के साथ, हमारे किन्नर बहनों के साथ साथ रहते हैं सर। हाँ। सभी लोग हम अलग से रहते हैं सर, कोई भी माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। माँ बाप टुकड़ा देते हैं, अभी सब एक साथ हो जाते हैं। चार जन एक घर में रहते, चार जन एक घर में रहते, तीन जन एक घर में रहते, ऐसे रहते हैं सर। फिर हम लोग कुछ शादी वगैरह में नाचने जाते थे, कोई बधाई लेके आके पेट भरते थे। जिसका बच्चा होता था वहां पे जाके लोली देकर उनको दुआ आशीष करके लेके आके पेट भरते थे। अभी मुंबई में ये बीएमसी के तरफ से हम लोग को समझाया गया था, आप लोग कुछ व्यवसाय करो, कुछ इज्जत से जिया करो। हमारे समझाने के बाद हम लोग एक बचत गट खोले थे। फर्स्ट हमारा बचत गट ही खोला था गवर्नमेंट पे। इससे पहले हमको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाले नहीं थे सर। अभी गवर्नमेंट में हमारा नाम छपाया गया, बहुत खुश हो गए सर। आपके राज में इतना खुश हो गए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं देख लीजिए। आज आपके सामने खड़े होकर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। कल्पना जी, सरकार की योजनाओं से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कौन कौन सी योजनाओं ने बहुत ही आपको प्रभावित किया? सर मैं बचत गट खोलने के बाद हमारे 20,000 का अनुदान मिला था हमारे व्यवसाय खोलने के लिए। सर ऐसी बास्केट हम लोग बनाते हैं, डिजाइन का रकम बिस्किट बास्केट बना के हम बेचा करते हैं सर। उसके बाद इडली डोसा का दुकान खोल के उसमें भी चलाते हैं, और फूल बेचा करते हैं, और फल फ्रूट का धंधा भी करते हैं। तो सर आप इडली डोसा क्यों बेचती है, भाजी पाव क्यों नहीं बेचती? पाव भाजी भी हमारे को आता नहीं सर। और ये मुंबई में तो वड़ा पाव खाते हैं ना, मुंबई में तो वड़ा पाव बेचने वाले बहुत है सर। गली गली को रोड रोड पे वड़ा पाव बहुत बेचते हैं। हाँ। इडली डोसा चालू करे तो जरा सा अच्छा लगता बोल के, हमको धंधा चलेगा बोल के। हाँ। करते हैं सर। और हमारे को कल्पना जी आपने जो चीजें बना करके मुझे बताया, इस प्रकार से काम आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपको मालूम है आप समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं? मेरी बात करते हैं, मैं मेरी बात आपको कठिन लग रही है, देखिए मैं बताता हूं। ये आप तो छोटा छोटा काम कर रही है, खुद का पेट भर रही है, लेकिन समाज में जो छवि है ना कि किन्नर लोग कभी आते हैं, परेशान करते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं, ये आपने उदाहरण बताया है कि नहीं, हम ऐसे लोग नहीं है। हमको अगर मौका मिले तो हम मेहनत करके पेट भरना चाहते हैं, हम समाज पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। ये आप करके दिखा रही हो, और ये पूरे किन्नर समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देगा, और बाकी समाज को आप सबके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। आप इतना बड़ा काम कर रही हो। जी सर, आप देख लीजिए, अभी हमारे किन्नर समाज के लिए कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कर रही हूँ सर। अभी महाराष्ट्र में
कोई बचत खाता नहीं था किन्नर के लिए, फर्स्ट पहले बचत खाता हम ही खोला था और बाकी लोग भी खोलने की कोशिश कर रही हूँ, सबको समझा रही हूँ। और वो संजय गांधी योजना का पेंशन आप दे रहे हैं वो भी हम लोग सब देने के लिए कोशिश करें, पहले सब किसी को भी नहीं मिला था सर, अभी हम ले रहे हैं, सबको हम दिला रहे हैं सर, अभी तो कम से कम 1200 लोग से ज्यादा हम पेंशन ले चुके हैं। अच्छा, पीछे और... आपके समूह गठ के लोग हैं कि और लोग बैठे हैं? नहीं ना, हमारे लोग ही बोल रही हूँ सर, सिर्फ हमारे किन्नर समाज के ही बोल रही हूँ सर। जरा हाथ ऊपर करें तो देखें कितने लोग हैं, सब काम करते हैं। और भी हैं। अच्छा अच्छा, कल्पना जी आपका साई किन्नर बचत गट, उसके और क्या क्या काम है जरा हमें बताएंगे आप? जैसा आपने बताया उससे सिवाय और क्या काम है? और हमारे सर वो सबको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बना के दे रहे हैं सर, सबको हमारे मुंबई के अंदर कितने ट्रांसजेंडर हैं सबको बना के देने के काम करते हैं। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड की जरूरत है वो उस नकली लोग से बचने के लिए वो बना के दे रहे हैं सर। और पीएम स्वनिधि का वो योजना से सबको मिलना चाहिए, सबको व्यवसाय करने के लिए उनको मदद करने का है, उनको ऐसे मांगना काम धंधा छोड़कर अपना कुछ व्यवसाय करो बोल के समझा कर उनको सबके पीएम स्वनिधि का लोन दिलाते जा रहे हैं सर। कल्पना जी, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किन्नर समाज कैसे करेगा? अभी भी कुछ दिन बाकी है और अब तो मैंने मुझे बड़ा आग्रह हो रहा है तो मैंने कुछ समय बढ़ाने का भी तय किया है। पहले तो 26 जनवरी तक करने वाले थे लेकिन अब मुझे फरवरी में भी इसको चालू रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए लोगों को आप कितना जोड़ते हैं? सर हम जोड़ते हैं सर, सबको समझाते जा रही हूँ। आपके गारंटी वाली गाड़ी पे हमको बहुत मजा मिला था, हमारे एरिया में भी आई थी सर वो गाड़ी, सब हम हमारे बुलाया गया, हम लोग गए थे वहाँ पे, चेकअप किया जाता है, बीपी शुगर का चेकअप किए थे और वो आयुष्मान भारत का वो कार्ड का लिख लिया है, अभी कार्ड मिल ही जाएगा, उसमें बहुत सारे फायदा मिलेगा ना सर हमको, हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ इलाज करने के लिए। कितने लोग हमारे बड़े बूढ़े लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी इसी ये कार्ड मिल गया तो बहुत फायदा हो जाएगा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल्पना जी, आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है फिर भी आपने हार नहीं मानी, आज आप ऐसी स्थिति में है कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही है और मैं चाहता हूं किन्नर समाज के सारे देश में ये खबर पहुंचनी चाहिए कि ये सरकार किन्नर समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े के लिए कई योजनाएं चला रही है और शायद हमारे देश में पहली बार किन्नर समाज के लिए भी कोई सरकार सोचती है, काम करती है। आपका जीवन और काम सबको प्रेरणा देने वाला है। पिछले 9 वर्षों में हमारा प्रयास है कि वंचितों को वरीयता मिले, हर वो नागरिक जो अब तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयास ये है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिले, उनके दरवाजे पर मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसे लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी कहते हैं, इसी सोच का विस्तार है। हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक योजनाओं का 100% सैचुरेशन ना हो और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर वंचित तक हमारी सरकार जरूर पहुंचेगी। चलिए, आप सबको मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, अब आगे का क्या कार्यक्रम है मेरे लिए बताइए। मैं ये बोलने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।